माँ कसम सन्नी बेटा, इसका हॉर्न बंद करवा दे, नहीं तो मैं इस कुत्ते का खून पी जाऊंगा। ओए पापा, वो कुत्ता नहीं इंसान है, अगर तुम कहते हो तो इसका मार मार के कुत्ता बना दूं। धर्मा भाई, आप लोग सड़क के बीचों बीच चल रहे हैं, आप गाड़ी वाले को साइड नहीं देंगे तो वो तो हॉर्न बजाएगा ही। शुक्र मनाओ वो मोटरसाइकिल वाला है, इसलिए हॉर्न बजाकर साइड मांग रहा है। उसकी जगह ट्रक वाला होता तो साइड नहीं मांगता, तुमको सड़क पे चिपका के चला जाता। तुम दोनों बाप बेटा पागल हो गए हो, अपने साथ हमें भी मरवाओगे? अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन देखेगा उन्हें? पिछले 30 साल से साइकिल पर ही ड्यूटी कर रहा हूँ, आज तक किसी ने पीछे से हॉर्न नहीं दिया। जब से तुम्हारे साथ आने लगा हूँ जान का खतरा बढ़ गया है। Oh, no. माँ कसम ताऊ, बच्चों की और ताई की चिंता मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो तो और ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि 20 लाख का तुम्हारा बीमा उन्हीं को मिलेगा। ओए ताऊ, अगर सड़क के ऊपर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों की और ताई की तो लॉटरी लग जाएगी। एक ये हमारा बापू है, सड़क के बीचों बीच तो चलता है, लेकिन इसने कभी बीमा नहीं करवाया, कभी इसको भी थोड़ी अकल दे दिया करो। माँ कसम बेटा, हमने जीवन बीमा करवाया है, तुम्हारे ताऊ ने पता नहीं कौन सा बीमा करवाया है जो इनके मरने के बाद इनके बच्चों को मिलेगा। अरे हमने भी तो जीवन बीमा ही करवाया था, मरण बीमा थोड़ा ही करवाया था, जो तुम दोनों बाप बेटा हमें मारने के पीछे पड़े हो। ताऊ जी इतना गुस्सा मत होइए, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, ये दोनों ठीक बोल रहे हैं, सभी का जीवन बीमा होता है और आपने भी जीवन बीमा करवाया है, हमने भी करवाया है, लेकिन जीवन बीमा मरने के बाद ही मिलता है। अरे इसका नाम जीवन बीमा नहीं मरण बीमा होना चाहिए था। Oh, no. मैं उस जीवन बीमा करने वाले का सर तोड़ दूंगा जो समय से पहले मुझे मारना चाहता है। अंदाज 02 सबका प्रिय चैनल अंदाज 02, प्लीज सब्सक्राइब।